वेलकम टू अवर एक्सेलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कंपनी के गुण। कंपनी क्या होती है ये तो हमने जान लिया ना, कि एक दूसरे के साथ से किसी उद्देश्य को पूरा करना, ठीक है। या कंपनी क्या है, ऐच्छिक संघ, किसका, व्यक्तियों का जो किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए इकट्ठे होते हैं और किसी कार्य को करते हैं, यही क्या कहलाती है, कंपनी। अब जब ये सारे व्यक्ति एक साथ मिलकर किसी काम को करते हैं तो इसके क्या क्या फायदे होते हैं, देखिए। यहाँ पे वृहद उत्पादन मतलब बड़े पैमाने का उत्पादन हो सकता है, कुशल प्रबंध हो सकता है, काम को अच्छे से किया जा सकता है, एकाधिकार के लाभ, आयकर संबंधी छूट, जोखिम का विभाजन और ऋण की प्राप्ति, कुछ ये इसकी मेरिट्स बताई गई है। तो इसे हम इसकी डिटेल से अच्छे से समझ सकते हैं। तो देखिए इसकी डिटेल, फर्स्ट क्या लिखा है, वृहद उत्पादन मतलब बड़े पैमाने का उत्पादन। जैसे फ्रेंड्स मानो कि यहाँ पे कोई एक सिंगल पर्सन है, ठीक है, ये किसी काम को करता है या किसी बिजनेस को चलाता है, तो इसके पास पैसा कैसा होता है, कम होता है। तो जितना पैसा होता उतना ही काम करता है। अब क्या हुआ कि अगर इसके बिजनेस में दो तीन व्यक्ति और आ गए, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, ये तीन व्यक्ति मिलकर भी तो इसमें पैसा लेकर आए, तो इसके पास क्या हो गया, पैसा ज्यादा हो गया। पहले 10,000 रुपए थे, फिर ये तीन व्यक्ति आते हैं, 10-10 तीनों लेके आते हैं, तो 30,000 रुपए हो गए, और 10 इसके, तो 40,000 रुपए से अब ये बड़े पैमाने का काम करने लगा है ना। तो यही कि कंपनी में जब अधिक से अधिक हमारे क्या बनते हैं, अंशधारी बनते हैं, जो हमारे अंशों को खरीदते हैं, कंपनी ऐसे ही चलती है, ठीक है। तो जब वो अंशों को खरीदते हैं तो कंपनी में बड़े पैमाने पर क्या हो जाती है, पूंजी एकत्रित हो जाती है, फिर कंपनी एक काम की जगह अनेकों काम करने भी लगती है, या उसे अनेक आइडिया आते हैं जिनके माध्यम से और अधिक कार्य करती है ना। तो कंपनी के पास क्या होता है, पर्याप्त मात्रा में पूंजी होती है, जिसके कारण वह बड़े पैमाने पर उत्पादन करके क्या कमाती है, लाभ प्राप्त कर सकती है। जैसे ये सिंगल व्यक्ति था तो ये एक प्रोडक्ट बना रहा था, अब तीन मेंबर्स और इसके साथ आ गए, मतलब पैसा ज्यादा आ गया, तो ये दो या तीन प्रोडक्ट और बनाने लग गया, तो बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा ना। कब संभव हुआ, जब दूसरे व्यक्ति इसके साथ काम करने के लिए एग्री हुए। फिर देखो कुशल प्रबंध, अनेक अंशधारी होने के कारण कंपनी अपना प्रबंध कुशल प्रबंधकों से करवाती है, जिसे वह उच्च वेतन या सुविधा देकर रखती है। कहने का मतलब है कंपनी का जो प्रवर्तक होता है, जैसे मुकेश अंबानी, धीरूभाई अंबानी, ये सब क्या है, कंपनी के प्रवर्तक, ठीक है, जो कंपनी को क्या करते हैं, समय समय पर बस उस मीटिंग को अटेंड करते हैं और कंपनी को चलाते हैं, ठीक है। अब इनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि अपने कंपनी के सभी अंशधारियों से मिले, ठीक है, तो इनके लिए क्या एक प्रबंधक को नियुक्त कर देते हैं, कुछ वेतन देकर, कुछ सुविधाएं देकर, और उसके आधार पर अपनी कंपनी को क्या करते हैं, रेगुलर रखते हैं, मतलब निरंतर रखते हैं, ठीक है। फिर है एकाधिकार के लाभ, बड़े पैमाने पर उत्पादन एवं असीम वित्तीय क्षमता के कारण कंपनी अपने व्यापार में एकाधिकार के लाभ प्राप्त करती है। हाँ, होता भी है ऐसा कि कभी कभी कंपनी क्या करती है, एकाधिकार, एकाधिकार का मतलब होता है एक ही व्यक्ति का अधिकार। तो कुछ कंपनियां ऐसी भी होती है, जैसे भी एप्पल कंपनी है, आईफोन कंपनी है, ठीक है, तो इनकी क्या दो दो तीन तीन कंपनियां है क्या, नहीं है, एकाधिकार, केवल एक ही व्यक्ति इस कंपनी को चलाता है। तो इसी कैसे होता है कंपनियों में, कि जब कंपनी के पास बड़े पैमाने पर पूंजी होती है तो बड़े पैमाने पर उत्पादन करने लगती है और फिर बाजार में अपना एकाधिकार स्थापित कर लेती है, कि मेरी कंपनी के अदर कोई दूसरी कंपनी इस प्रोडक्ट को बना ही नहीं सकती, ठीक है। फिर अगला देखो फ्रेंड्स, इसमें आयकर संबंधी छूट, कंपनी को सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की आयकर संबंधी छूट भी प्रदान होती है। आयकर मतलब टैक्स के बारे में तो आपने सुना है कि हर एक पर्सन को टैक्स का समय समय पर भुगतान करना जरूरी है। अगर किसी व्यक्ति की आय 5,00,000 रुपए से अधिक हो जाती है, ठीक है, तो उसे टैक्स देना है। 5,00,000 से कम होने पर वो टैक्स नहीं देगा। 5,00,000 से 1 रुपया भी अधिक होता है तो उसे 1 रुपये पर भी 10% की दर से टैक्स देना है, क्योंकि इस टैक्स से ही, इस कर से ही हमारा देश चलता है, सरकार की आय का साधन भी यही होता है। तो कंपनी को एक बेनिफिट क्या होता है कि जब भी टैक्स कैलकुलेट किया जाता है कि हमें कितना टैक्स पे करना है, तो उससे पहले क्या होता है, हमारी सारी जो आय होती है उसमें 80% से 80% तक की हमें कटौतियां मिलती है, मतलब कुछ छूट मिलती है। तो कंपनी को इस प्रकार से क्या होता है कि आयकर में भी छूट मिल जाती है, मतलब इसको टैक्स देना पड़ता है लेकिन कम, एक लिमिटेशन के बेस पे से देना पड़ता है, इसे कोई छूट प्रदान हो जाती है, ठीक है। अब अगला देखो जोखिम का विभाजन,
मतलब जो नुकसान होता है तो उसका विभाजन कैसे होता है। जैसे पार्टनरशिप में तो अपन ने जाना था कि इक्वली हो जाता है, सभी में बराबर की जोखिम मतलब बराबर की हानि, बराबर का लाभ डिवाइड हो जाता है। अब कंपनी में क्या होता है, देखो कंपनी की पूंजी क्या छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित होती है। आ रहा है समझ में, छोटी छोटी इकाइयों में कैसे विभाजित होती है। जैसे कि किसी कंपनी के क्या है 1000 अंश कोई व्यक्ति खरीदता है, किस हिसाब से 10 रुपए के हिसाब से, तो एक अंश यहाँ पर किस में विभक्त है 10 रुपए, मतलब छोटी छोटी पूंजी में विभक्त है, है ना। तो क्या है कि कंपनी की पूंजी छोटी छोटी इकाई विभाजित होती है जो जो कि उसके अंशधारी होते हैं, मतलब जो भी व्यक्ति खरीदता है, कंपनी का कोई एक स्वामी नहीं होता है, जो भी कंपनी के अंश खरीदते हैं वो कंपनी के स्वामी बन जाते हैं। इस कारण से कंपनी के द्वारा लाभ कमाने के लिए उठाई गई जोखिम का बंटवारा भी अनेक हिस्सों में हो जाता है। कंपनी में जो भी नुकसान होता है तो छोटी छोटी पूंजी में जो छोटी छोटी धनराशि जो उसकी बटी होती है अंशों में, तो सभी के हिस्से में वो लाभ हानि डिवाइड हो जाती है। एंड लास्ट है इसका ऋण की प्राप्ति। कुशल एवं अनुभवी प्रबंधक होने के कारण कंपनी को वित्तीय संस्थानों से आसानी से ऋण प्राप्त हो जाता है। वित्तीय संस्था मतलब होता है बैंक से। एक तो कंपनी क्या करती है कि अपने मेंबर्स से भी ले सकती है लोन, और उसके अलावा इसे बैंकों से भी बहुत ही आसानी से लोन मिल जाता है इसके गुडविल होने के कारण। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने जाना कि कंपनी के क्या क्या गुण होते हैं। अब अगर आपको कोई भी पॉइंट्स में डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।